हेलो एवरीवन, मेरा नाम हमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइव। अगर आप अगले 2 साल में गाड़ी लेने वाले हैं, कुछ कैटेगरी है कौन से लोग हैं वो भी आपको बता देता हूं। सिर्फ वो लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो नई गाड़ी लेने वाले हैं या जिनके पास पुरानी गाड़ी है लेकिन उसका टाइम खत्म नहीं हुआ है, वो भी अभी उसको बदलने की सोच रहे हैं, नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, या वो लोग जो अपनी पहली गाड़ी लेने की सोच रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बनी है, या वो लोग जो ईवी लेने की सोच रहे हैं यार लें या ना लें, ये उनके लिए भी बनी है। सिर्फ उन लोगों को यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है जो हर 2-3-4 साल में गाड़ी बदल लेते हैं। वो अगर गाड़ी ले रहे हैं ना, नई प्लानिंग कर रहे हैं अभी लेने की, तो ले लो, उनको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो है क्या, देखिए, जो अभी गाड़ी आप अगले 2 साल में लेना चाहते हैं, कल लेना चाहते हैं, ज्यादा इमरजेंसी आपको नहीं है, आप एक पेट्रोल गाड़ी लेना चाहते हैं, तो पेट्रोल गाड़ी अभी मैं आपको रुकने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। आप एक गाड़ी ले रहे हैं, मान लेते हैं 10 लाख रुपए के आसपास, हाँ आपका इतना बजट होना चाहिए। अगर आप इससे कम पैसे की भी ले रहे हैं तो भी आप गाड़ी अभी ले सकते हैं। 10 लाख या उससे ऊपर की गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, मतलब रुक जाइए, ठीक है, उससे कम के रुक सकते हैं। अगर आपको एक अच्छी माइलेज वाली गाड़ी चाहिए तो भी आप रुकिए, जो मैं बता रहा हूँ वो आप सोचिए। मान लेते हैं आपने अभी एक 10 लाख रुपए की पेट्रोल गाड़ी ले ली है जो लगभग 15 साल तक आपको वैलिडिटी देती है चलाने के लिए दिल्ली NCR में, ज्यादातर जगह पर कुछ टाइम के बाद ये हो ही जाएगा। तो उसमें होगा क्या, आपने 10 लाख रुपए मान लेते हैं उस गाड़ी के लिए दिए हैं, अगले 15 साल तक आप उस गाड़ी को चला रहे हैं, लगभग इतना ही पैसा आप उसके पेट्रोल पर भी लगा देंगे, 4-5 लाख रुपए जो है आप उसकी सर्विस पर भी लगा देंगे, तो अगले 15 साल में आपको 25-1 लाख रुपए के आसपास वो गाड़ी पड़ जाएगी। साथ में जब आप उसको बेचने जाएंगे 15 साल के बाद तो वो लगभग कबाड़ के भाव में जाएगी, क्योंकि 15 साल के बाद ईवी का टाइम आपको पता ही है पूरे तरीके से आ चुका होगा, तो उसका आपको मिलेगा भी कुछ नहीं क्योंकि सेकंड हैंड कार बायर्स नहीं मिलेंगे, ईवी का टाइम आ चुका होगा, आपको वो सब कर देना है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ 2 साल रुक जाइए, 2025 में मारुति की ईवी आ रही है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या मैं वो ईवी लेने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं, मैं उसको भी लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उससे मार्केट में हो गया का। आज के टाइम पर टाटा की नेक्सॉन चल रही है ईवी में, अभी टियागो चल रही है ईवी में, काफी बढ़िया कर रही है, टिगोर काफी जगह टैक्सी में चल रही है, काफी बढ़िया कर रही है, पंच ईवी में आने वाली है, बाकी कंपनीज भी जो है अपना ईवी लेकर आ रही हैं, सिट्रोन C3, काफी कुछ चीजें हैं जो थोड़ा महंगे साइड में अभी हमें लग रही हैं। अगले 2 साल में क्या होगा, देखिए, जब इंडिया में मारुति की तरफ से कोई भी गाड़ी आती है ना, तो वो काफी कुछ उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, तब वो मार्केट में उतारी जाती है। और मारुति की तरफ से जैसे हीरो में कोई बाइक आती है, बजाज की कोई बाइक आती है, तो वो मास मार्केट के लिए अचानक से पूरे इंडिया में फैल जाती है, बड़े स्तर पर उसका जो है बिक्री होती है, दुनिया के पास जाती है, और बड़े लार्ज स्केल पर वो बनती भी है। सेम मारुति जब कोई काम करती है लार्ज स्केल पर करती है, वो ऐसा नहीं रहेगा कि चुनिंदा लोग उसको खरीदेंगे। 2025 तक ईवी के जो प्राइसेस हैं वो भी थोड़े कम हो जाएंगे, अब भी कम होने शुरू हो गए हैं। अभी पीछे आपने देखा था नेक्सॉन ईवी है तो उसके प्राइस कुछ कम किए गए थे, बैटरी की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। इंडिया में जो बैटरी के जो सब्सटेंस होते हैं जिनसे हमारी बैटरी बनाई जाती है, वो चीज इंडिया में मिलनी शुरू हो गई है, उसकी खदानें शुरू हो जाएंगी, बैटरीज बनेंगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, बैटरीज और मोटर्स की जो है कमी कीमत जो है वो सब कम होती चली जाएगी। तो ईवी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेट्रोल के मुकाबले आ जाएंगी, लेकिन इतनी ज्यादा महंगी नहीं रहेंगी जितनी आज के टाइम पर है। तो जब 2025 में मारुति की तरफ से गाड़ी आएगी ना, तो वो लार्ज स्केल पर बनेगी, बहुत ज्यादा लोग उसको खरीदेंगे, कुछ बढ़िया टेक्नोलॉजी मारुति लेकर आएगी, और उसके बाद एक किस्म से आप देख सकते हैं कि बूम आ जाएगा मार्केट में। तो जो चीज आप अभी ले रहे हैं, आप कोई भी पेट्रोल डीजल गाड़ी लेंगे, सिर्फ 2-3 साल के बाद ही आपको वो अजीब सी लगने लगेगी, क्योंकि मार्केट में आपको सड़क पर चलती हुई ईवीज काफी दिखने लगेंगी, आप अपने डिसीजन पर पछताना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 100 रुपए लीटर हो सकता है उस टाइम तक थोड़ा सा और बढ़ जाए, चलो हम 100 ही रुपए मान लेते हैं, 100 रुपए लीटर में आपकी गाड़ी 15 किलोमीटर चल रही है, वहां पर 100 रुपए में आपकी गाड़ी 200 किलोमीटर, चलो 100 ही किलोमीटर मान लेते हैं, 100 किलोमीटर चल रही है, कहाँ 100 रुपए में 15 किलोमीटर, कहाँ 100 रुपए में 100 किलोमीटर, तो रहेगा ना थोड़ा सा यार बड़ा अजीब है, रुक जाता, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए में और एक्स्ट्रा दे देता, तो कम से कम मेरे को ये टेंशन तो नहीं रहती, गाड़ी चलाने की दिक्कत तो नहीं रहती। फिर बहुत सारी जगह पर क्या हो सकता है कि आप सर्दी में, अब जैसे सर्दी आ गई है दिल्ली में,
ये गाड़ी नहीं ला सकते, वो गाड़ी नहीं ला सकते, काफी जगह पर ये चीजें भी हो जाएंगी। जब लार्ज स्केल पर ईवी चलना शुरू हो जाएंगी तो पुरानी गाड़ी है या कोई भी गाड़ी है, पेट्रोल डीजल है, उनका कहीं कहीं पर पर्टिकुलर टाइम में जाना बंद हो जाएगा। या ये भी हो सकता है, अभी तो ये है कि सर्दी के टाइम पर नहीं आ सकते, ये भी हो सकता है पीक आवर्स में, चाहे सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, पीक आवर्स में इस टाइप की गाड़ियां यहाँ पर नहीं चलेंगी। बहुत सारी जगह पर ये भी हो सकता है जब बड़े लार्ज स्केल पर ईवी आ जाएंगे, और इसको ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 2 से 3 साल सिर्फ मारुति का इंतजार है। आपको पता है इनका प्लांट बन रहा है हरियाणा के खरखोदा के आसपास, वो बनकर लगभग 70% वो तैयार हो चुका है, वहां पर ईवी की मैन्युफैक्चरिंग ही होनी है, बोले लार्ज स्केल पर वो बन रहा है, मेरे यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मैं देख कर आ चुका हूँ उसको। तो रुक जाइए, अगर आप रुक सकते हैं, बहुत ज्यादा नेसेसिटी है यार मेरे को तो लेनी ही पड़ेगी, तो आप ले सकते हैं, ज्यादा महंगी मत लेना, सिर्फ काम चला लो अगले 2-3-4-5 साल के लिए। और अगर आप रुक सकते हैं, कोई ज्यादा इमरजेंसी नहीं है, आपकी गाड़ी अभी चल रही है, 8-9 साल हुए हैं, 10 साल भी हो गए हैं, तो उसको रिन्यू करा लीजिए और 2-3-4 साल के लिए। अगर सेकेंड हैंड गाड़ी में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वो कर लीजिए, जब वो गाड़ी आ जाएगी तो आप नई खरीद लेना, तो काफी फायदा आपको ये चीज दे सकती है। देखिए फ्यूचर तो ईवी का है, कोई कितना भी मना कर ले कि ईवी ये नहीं करेगी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, बैटरी जल्दी चार्ज नहीं होती है, रेंज अच्छी नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, चिंता मत मानिए, सब कुछ होगा, संसार का नियम है परिवर्तन, ये तो होकर ही रहता है, ये होगा ही होगा, कोई कुछ भी मना कर ले, तो उस चीज से आपको नहीं घबराना है, सिर्फ आप थोड़ा सा देखिए, रुक सकते हैं तो रुक जाइए, आप फायदे में रहेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस टाइप के और वीडियोस के लिए आपको स्टूडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।